नमस्कार फ्रेंड, मैं रंजीत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत रोजाना। दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप सबों के बीच पर उपस्थित हुआ हूं और आज मैं आपको एक नए रहस्यमय कहानी के साथ लेकर आया हूं जो कि माछिन मस्तिके से रिलेटेड है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस जगह पर सात खाटी रस्सी इतना गहरा पानी रहता था और किस जगह माँ छिन्नमस्तिके मंदिर सबसे पहले रहती थी, जैसे कि आपने कहानी में पढ़ा होगा। मैं दोस्तों आज आपको उसी जगह पर लेकर आया हूं और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि उस जगह पर अभी क्या कुछ हो गया है और पहले इस जगह पर कैसा माहौल था। सो दोस्तों, हमारे ब्लॉग पर बने रहें, कंटिन्यू। आज का ब्लॉग बहुत खास होगा दोस्तों, इसीलिए वीडियो को स्किप करके ना देखें, अन्यथा आपको पता नहीं चलेगी कि पहले वहाँ पर क्या कुछ था। सो दोस्तों, हमारे ब्लॉग पर बने रहें। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ उस जगह का माहौल का भी कैसा है। सो दोस्तों, जब भी कभी आप इधर आएंगे तो देख सकते हैं ये है भंडार दह के ठीक बगल पर। यहाँ पर लोगों की बैठने की सुविधाएं बनाई गई थी ताकि जो भी व्यक्ति आए पूजा वगैरह के लिए, ताकि लोग यहाँ आकर बैठ सके। तो दोस्तों, रही बात अभी का हाल, तो अभी देख सकते हैं अभी ठीक वर्षा हुई थी और काफ़ी बाढ़ हुआ था, उसके बाद का अभी नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी उबड़ खाबड़ हो गया है और ये सारे अभी टूटने लगे हैं क्योंकि अभी यहाँ पर पूजा नहीं होती है। सो दोस्तों, यहाँ के बाद मैं आपको सीधे अब आगे की ओर लेकर जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको उस स्थान पर ले आया हूँ जहाँ पर भंडार दह है, उनके बिल्कुल सामने, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ आने के बाद आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा और क्या कुछ नहीं। सो गाइस, हमारे ब्लॉग पर आप बने रहें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप यहां आएंगे तो आपको यहां पर एक छोटी पीपल की पेड़ दिखाई देगी और यहां पर चबूतरा बनाया गया है जहां पर लोग बिल्कुल आसानी से बैठ सकते हैं और यहां आकर आनंद महसूस कर सकते हैं। और यहां बहुत सारे लोग भी आते हैं दोस्तों, और ख़ास करके पूर्णिमा के दिन भी यहाँ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो दोस्त, मैं आपको यहाँ से अब अपनी मैन बिंदु की ओर लेकर चलता हूँ। सो फाइनली हमारे ब्लॉग पर बने रहें। सो दोस्तों, आपको यहाँ पर ठीक पीपल पेड़ के सामने शंकर जी का आपको यहाँ पर मूर्ति दिखाई देगा, साथ ही साथ गणेश जी का, और इसके ठीक थोड़े से बगल पर नंदी जी का। तो दोस्तों, यहाँ मान्यता है कि जब ये मूर्ति बनाई गई थी तो यहाँ से निरंतर खुद ब खुद पानी गिरते रहता था और कभी बंद नहीं होता था, ऐसा मानना है। और जब अभी मैं आया हूँ काफ़ी दिनों के बाद, तो अभी ऊपर से पानी नहीं गिर रहा है, वो बंद हो गई है। सो दोस्तों, यहाँ आने के बाद मैं आपको यहाँ से अब सीधे भंडार दह की ओर लेकर चलता हूँ। मैं आपको सीधे भंडार दह लेकर आ गया हूं जहां मान्यता है कि ये सात खाटी रस्सी के इतना बराबर डीप गहरा था। सो ये जगह है दोस्तों, या माना तो ये जा रहा है कि यहां से ठीक जो जहां पर दोनों नदियां मिलती है वहां तक को भंडार दह कहते हैं, और वहां तक की नदियों पर इतनी बहुत ज़्यादा गहराई थी। लेकिन अगर सही माने में देखा जाए तो ये वही वो जगह है जहाँ जिसको हम लोग भंडार दह कहते हैं, और यहीं पर बहुत ज़्यादा गहरा है दोस्तों। यहाँ पर अभी मैं आपको सामने से दिखा कि इस जगह अभी क्या स्थिति है और यहाँ का पानी कैसा होता है। फ्रेंड्स, जैसा मानना है कि माँ छिन्नमस्तिके यहीं पर रहती थी सबसे पहले, और इसी जगह पर लोग पूजा करते थे, वो भी सात खाटी गहरे डीप के अंदर, यानी गहराई के अंदर जाकर उनकी पूजा होती थी, और उसके बाद जो पुजारी होते थे वो उसी रास्ते से बाहर आते थे। सो गाइस, किसी कारणवश एक दिन ऐसा घटना घटती है जिसके कारण सुबह पर मंदिर का वहाँ पर निर्माण होता है और लोग वहीं पर पूजा करते हैं, और उस दिन से उसी जगह पर पूजा होना शुरू होता है। सो दोस्तों, इसकी विस्तार से कहानी मैं एक बनाऊंगा और सारी कहानी को मैं एक अलग से वीडियो पर दिखाऊंगा, और क्या घटना हुई थी और क्या कहानी था ये सारा कुछ आपको देखने को उस वीडियो पर मिलेगा। सो गाइस, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर ले ताकि कभी भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिले और आपको पता चले। सो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहां पर इतना ज़्यादा गहरा पानी रहता है, और मुझे लगता है कि अभी भी कुछ गहरा अभी भी बचा। यहां पर पानी काफ़ी घुमावदार है और बहुत डीप है, क्योंकि अभी देख सकते हैं यहाँ का पानी काफ़ी उबाल मार रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी गहरा मुझे भी महसूस हो रहा है। तो दोस्तों, रही बात यहाँ की मंदिर की दूरी, आपको दिखाई देता होगा करीबन यहाँ से 1 किलोमीटर तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 600 मीटर ज़रूर होगी मंदिर की और यहाँ का दूरी। सो दोस्तों, ये काफ़ी सामने है लेकिन नदी नुमा है और छोटे छोटे नालों से मिलकर यह नदी बनी है दोस्तों, और यह नदी काफ़ी लंबी है, और इसके आमने सामने बहुत सारे कोयले के भंडार हैं जो कि यहाँ पर मिलता है। सो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ।
उम्मीद है आप सबों को बहुत अच्छा लगा होगा। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कभी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं और आप तक नोटिफिकेशन जाए। इसके लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी कभी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन जाए। जय हिंद, जय झारखंड।